দুর্গা আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ ঠাকুর পিঠে পড়লো কাটি পুজো হোক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो कोलकाता के टॉप थ्री दुर्गा पूजा पंडाल 2024 के थीम्स एंड वहां जाने की लोकेशंस या कैसे आपको वहां पहुंचना है इन सभी की एक जुट वीडियो यानी कि सबकी सब डिटेल्स एक चैनल पर मिल जाएगी जानने को। सो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और हाँ, वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जिनके साथ आप दुर्गा पूजा घूमने वाले हो। सो जानकारी अच्छी लगे शेयर करना। सो पहले नंबर का हमारा थीम आता है संतोष मित्रा स्क्वायर यानी जहाँ पर अगली बार राम मंदिर बना था उस कमिटी के द्वारा बनाया जाने वाला इस बार का पांडाल जो है हमारा दस फेयर एक बिल्डिंग है जो कि अमेरिका के लास वेगास में लोकेटेड है और यहाँ पर लाइटनिंग्स की एक करामात है जो कि बाहर से भी बहुत सारी मतलब लाइटनिंग्स और उस पर अजीब अजीब की एनिमेशंस दिखाई जाती हैं जिससे लोगों को अट्रैक्ट करा जाता है और यही चीज़ कोलकाता दुर्गा पूजा 2024 में करा जा रहा है संतोष मित्रा स्क्वायर के द्वारा यानी लेबुतल्ला पार्क में। सो आप यहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले इजीली आ सकते हो सियालदह स्टेशन से आप इजीली 10 से 15 मिनट पैदल चल के जा सकते हो और यहाँ पर जो कामें करी जा रही है ना देखने लायक है। पहले बांसों के स्ट्रक्चर को रेडी करा गया है और बांस के स्ट्रक्चर को रेडी करने के बाद लोहे से वेल्डिंग्स करी जा रही है और वेल्डिंग्स पर जब कंप्लीट हो जाएगी कामें वेल्डिंग्स की तो उसके बाद इन बांसों के स्ट्रक्चर को खोल दिया जाएगा और वहाँ पर पूरे के पूरे लोहे के स्ट्रक्चर पर लाइटनिंग्स क्रिस्टल्स और बहुत सारे फाइबर्स प्लाइज वुड मतलब वही प्लाईवुड के काम करे जाएंगे, देखने लायक होगा। और इसी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि कोलकाता के दुर्गा पूजा 2024 में चार चांद लगाने में कोई कसर ना छोड़ रहा है, वो है हमारा दूसरे नंबर का पांडाल जिसका नाम है कल्याणी आईटीआई मोड ल्यूमिनस क्लब। जी हाँ, आपने सही सुना, ल्यूमिनस क्लब इस बार श्रीभूमि को पछाड़ रहा है जैसी सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि श्रीभूमि के द्वारा जो थीम रखी गई है आगे वीडियो में पता चलेगा, लेकिन कल्याणी आईटीआई मोड के द्वारा जो थीम रखा गया है जिसका नाम है वाट अरुण मंदिर। ये एक मंदिर है जो कि बौद्ध मंदिर है, वो भी बैंकॉक में लोकेटेड है और इस बार कोलकाता दुर्गा पूजा 2024 में कोलकाता के श्रीभूमि को पीछे छोड़ के कल्याणी आगे इसलिए आ जाएगा क्योंकि इस बार इस थीम को बहुत ही ज़्यादा शोर से बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से बनाने की ट्राई करी जा रही है जो कि हर बार कल्याणी आईटीआई मोड़ की खासियत रह चुकी है। और इस बार यहाँ पर वाट अरुण मंदिर को बनाने की बहुत सारी कामें आगे जा चुकी है, बहुत ही ज़्यादा काम आगे निकल चुका है और अब यहाँ पर क्रिस्टल्स वगैरह के काम स्टार्ट होने वाले हैं। सो अपडेटेड वीडियो चैनल पर कुछ ही दिनों में आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना यार भूलना मत क्योंकि अपडेट आपको मेरे ही चैनल पर मिलने वाली है। सो बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी मेरे चैनल पर जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कल्याणी आईटीआई मोड़ इस पांडाल के पास पहुंचने के लिए आप सबसे इजीली उतर सकते हो कल्याणी स्टेशन और अगर उससे भी इजी चाहिए तो आप कल्याणी घोसपाड़ा यानी कल्याणी सीमांतल लोकल पकड़ो सियालदह की तरफ से और वहाँ कल्याणी घोसपाड़ा स्टेशन उतरो, वहाँ से 10 मिनट में पैदल चल के आप इजीली पांडाल के सामने पहुँच सकते हो। स्तंभ है मतलब उस रियल वाले मूर्ति के मंदिर के साइड में, बट यहाँ पर सिर्फ दो यूज़ करी जा रही है जो कि आगे में ये और एक ये वाला होने वाला है और बीच में जो मेन सब हमारा अरुण मंदिर, ये देखो आप इसको देखो और इसको देखो, डिट्टो लगेगा आपको कॉपी कर दिया जा चुका है यार। मैं सोच रहा हूँ, मैं पहले सोचता था चाइना कॉपी करने में आ गए लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि हर चीज़ कॉपी करने के लिए बस आप कोलकाता दुर्गा पूजा में आओ, कोलकाता दुर्गा पूजा की थीम्स को देखो, आपको डिट्टो बना के दिया जाएगा, जो आप थीम देखोगे ना यार डुप्लीकेट उतारा जाएगा। अगला बार ग्रैंड लिस्बोआ कल्याणी आईटीआई का बनाया गया था अगली बार 2023 में और वो भी डिट्टो लग रहा था कि यार ग्रैंड लिस्बोआ होटल बन गया और इस बार बना है जो आप देख ही सकते हो वाट अरुण मंदिर। सच में लोग देखेंगे ना तो बोलेंगे वाट अरुण मंदिर है क्या, अरुण मंदिर है ऐसा लोगों का एक्सप्रेशन होगा अंदर की तरफ से। और पांडाल के बाहर अभी भी बहुत सारी बांस पड़ी हुई है, पांडाल पे तो पहले ही लगभग 50,000 बांस करा जा चुका है बट अभी और यूज़ करना बाकी ही लग रहा है। और अंदर की साइड में यहाँ अगर
इस बार शायद मुझे लगता है यहीं से एंट्री होगी, क्योंकि चारों तरफ ऐसे बांस ज़्यादातर घिरी जा चुकी है, जगह घिरी जा चुकी है। और आगे की साइड में जैसे जैसे हम अंदर की साइड जाएंगे, शायद अगली बार की तरह ये जो पहले उसके बाद प्लाईवुड का काम करा जाएगा, उसके बाद जो भी कांच की जो मिरर्स की कामें थी उस टाइम पे तो पांडाल को बंद कर दिया जाता है। और अभी तो इसको जैसे हम एंट्री करेंगे यहाँ से और एंट्री के साथ यहाँ पर जो इस बार का अंदर का एंट्रेंस का जो जगह है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा रखा जा रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि अगली बार जो चौड़ाई थी वो अंदर की साइड थी और ये जो दोनों चीज़ें थी ना ये इतनी चौड़ी नहीं थी, जिसके कारण उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती थी। बट इस बार इस घेरे से लेकर उस घेरे तक पूरा का पूरा माठ घेरा जा चुका है और यहाँ से लोग एंट्री करेंगे अंदर में, उस कोने पे दुर्गा माँ का मूर्ति स्थापित करा जाएगा और बहुत सारी कामें अंदर भी चली है, वह बीट्स की काम चली है, जो लकड़ियों की बीट होती है बीट की कामें चल रही है वहाँ पे। और साइड साइड यहाँ से ऐसे घेरे दिए गए हैं जो कि पांडाल को और मजबूत कर रहे हैं। और वहाँ पे गर्भगृह रहेगा, मेन मूर्ति स्थापना वहीं पे होगी दुर्गा जी की लाश में, और लोग यहाँ से और यहाँ से निकल सकते हैं, इस पांडाल के एंट्रेंस एग्जिट दोनों साइड से हो सकती है और मेला तो पूरा का पूरा लगा ही रहता है पीछे की साइड। बात करें थर्ड पांडाल की हमारे, तो वो जाम मतलब नाम ही जानी सारी की सारी पांडालों में से एक पांडाल श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब का पांडाल, जहाँ पर बनाया गया था बाहुबली, बुर्ज खलीफा और आपका बहुत सारी ऐसी थीम्स हैं जो कि लोगों के द्वारा जानकारियाँ हैं। इस बार दुर्गा पूजा 2024 में यहाँ पर जो थीम बनाया जा रहा है वो है तिरुपति बालाजी का मंदिर। और तिरुपति बालाजी का मंदिर देखने में हो मतलब देखना होगा कि कैसी खास तरीके से बनाई जाती है या क्या होती है, क्योंकि ऐसी कोई थीम्स अभी तक दुर्गा पूजा में कोलकाता के अंदर नहीं अपनाई गई थी। और इस बार दुर्गा पूजा 2024 में श्रीभूमि ने कुछ अलग करना चाहा है, सो देखना पड़ेगा कि लाइटनिंग्स वगैरह कैसी होती है जिसके कारण उसे रेट करा जा सके कि ये कितने नंबर का पांडाल हमारा बनता है, ये दुर्गा पूजा के टाइम ही पता चल पाएगा। चूँकि यहाँ जाने के लिए आप सबसे पहले सियालदह स्टेशन उतर सकते हो, वहाँ से बस वगैरह से आ सकते हो, या तो आप सबसे ईजिली अगर आपको जाना है विधाननगर स्टेशन उतरो, यानी उल्टा डांगा स्टेशन उतर के आप वहाँ से ईजिली बस या ऑटो पकड़ के स्टेशन पर पहुँच सकते।